रहमान रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश्वर। स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो सेकंड ईयर बुक टू का पहला चैप्टर है, एंड द चैप्टर नेम इज़ द डाइंग सन। द डाइंग सन बाय सर जेम्स जीन्स। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग आवर चैप्टर आई वुड लाइक टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। इंसान जब इस दुनिया में आता है, एक वक्त के साथ साथ जब वो बड़ा होता है तो उसके जहन में कुछ सवालात जन्म देते हैं कि वो इस दुनिया में आया, इस दुनिया का वजूद कैसे था, ये दुनिया कैसे बनी, इस दुनिया को कायम होने में क्या चीज़ें जो हैं वो सामना करना पड़ी, किस तरीके से ये दुनिया मार्ज़े वजूद में आई। इन सवालात के जवाबात के लिए बिग बैंग थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। उस बिग बैंग थ्योरी में ये हमें बताया गया कि इन एक सितारा जो था, एक सियारा जो था, वो गर्दिश करता हुआ सूरज के करीब आया और सूरज के ऊपर जो टाइडल वेव्स पैदा हुई जिसकी वजह से सूरज के ऊपर एक पहाड़ तश्कील पा गया, और वो जैसे ही एक ख़ास वक्त के बाद पीछे वापस को हटा तो उसके उस रिएक्शन की वजह से वो जो माउंटेन बनी उसके ऊपर वो टुकड़े टुकड़े में तब्दील हो गई, और वो टुकड़े जो थे वो उस सूरज के गिर्द घूमने लगे, और इसको बिग बैंग थ्योरी बयान किया गया। तो आज चूंकि हमारा चैप्टर द डाइंग सन बाय सर जेम्स जीन्स, इस चैप्टर में भी उसी थ्योरी को ही मद्देनज़र रखा गया। उसकी सबसे बड़ी वजह सर जेम्स जीन्स। सर जेम्स जीन्स जो हैं, ही वॉज मैथमेटिशियन, ही वॉज एस्ट्रोनोमर। इन्होंने अपनी स्टडीज़ की बेस पर ये चैप्टर जो है वो मुरतब किया। इस चैप्टर में उन्होंने उसी थ्योरी को बयान किया कि किस तरह ये दुनिया मार्ज़े वजूद में आई। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम सर जेम्स जीन्स को डिस्कस करेंगे। सर जेम्स जीन्स जो हैं, उनको उनकी अहमियत हमारे सिलेबस में ये है कि बेटा, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम्स में वो इनके नाम से पूछे जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका क्वेश्चन आ सकता है, अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, व्हाट हैपन व्हेन द वॉन्डरिंग स्टार केम नियर एंड नियर द सन। अच्छा बेटा, ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना आपके एग्ज़ाम्स में, उसमें ये जो राइटर होते हैं उनको मेंशन किया जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से राइटर्स का समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने राइटर्स को और चैप्टर नेम को जहन नशीन रखना है, और जैसे ही राइटर का नेम से क्वेश्चन आएगा आप फौरन से उस चैप्टर को रिकॉल करके उस क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो इस चैप्टर में सर जेम्स जीन्स जो बातें करेंगे उनके मुख्तलिफ सवालात बनेंगे, जिसको मैं आपको आखिर में बयान करूंगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसके साथ साथ सिनोनिम्स जो हैं, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं, वो भी मैं आपको लेक्चर के इख्तिताम पर बयान करूंगा। तो सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ इस चैप्टर में सर जेम्स जीन्स ने बयान की वो है जी द डाइंग सन। द डाइंग सन में उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि इस पूरी कायनात में चंद एक सितारे ऐसे हैं जो बमुश्किल ही
ज़मीन अर्थ जितने हों, वगरना इस कायनात में जितने भी सितारे हैं, सियारे हैं, वो अर्थ से इतने ज़्यादा बड़े हैं कि लाखों ज़मीनें उसमें समाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन बिटवीन अर्थ एंड स्टार्स, स्टार्स ऑफ द यूनिवर्स, कि चंद एक सितारे जो बमुश्किल ज़मीन से बराबर हैं या ज़मीन से छोटे हैं, वगरना कायनात में लाखों सितारे ऐसे हैं जो इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि उसमें लाखों ज़मीनें समाई जा सकती हैं। यानी कि एक सितारा और ये ज़मीन के लाखों ज़मीनें एक सितारे में, एक सियारे में समाई जा सकती हैं। इसी तरह सर जेम्स जी कहते हैं कि कुछ सियारे इतने बड़े हैं कि उनमें करोड़ों ज़मीनें समाई जा सकती हैं और फिर भी जगह बच जाए। तो सबसे पहले तो ये साइज़ डिफ्रेंशिएट किया सर जेम्स जीन्स ने। सर जेम्स जीन्स ने उसके बाद हमें ये बयान किया कि ये सितारे जो हैं, ये सितारे जो हैं, ये इकट्ठे बहुत कम सफ़र करते हैं, वगरना ये अलग अलग सफ़र करते हैं। अब इस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने एक स्केल मॉडल पेश किया। उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ करें कि एक ओशन है, समंदर है, और उस समंदर में एक बहरी जहाज़ है, और उस बहरी जहाज़ का फासला दूसरे बहरी जहाज़ के दरमियान इतना है कि अगर वो दाएं जानिब देखा जाए तो कोई जहाज़ नज़र ना आए, और अगर बाएं जानिब देखा जाए तो कोई जहाज़ नज़र ना आए, और अगर उसे ओशन पर देखा जाए तो सिर्फ़ एक ही आपको जहाज़ जो है वो नज़र आए। इसलिए उन्होंने यहाँ पर सियारों का जो तादाद बताई है वो इन्यूमरेबल है, ला तादाद, इतने ज़्यादा हैं। और फिर उन्होंने क्या कहा जी, उनका आपस में फ़र्क, अब कायनात इतनी वसी और उस पूरी कायनात में ला तादाद, नकाबले शुमार सियारे, और एक सियारे का दूसरे सियारे के दरमियान फ़र्क, उसके लिए सर जेम्स जीन्स ने एक स्केल मॉडल हमें दिया कि एक समंदर में अगर बहरी जहाज़ अकेला जा रहा हो और हमें उसके इर्द गिर्द कोई दूसरा बहरी जहाज़ नज़र ना आए, तो जिस तरह एक बहरी जहाज़ का दूसरे के दरमियान फ़ासला है, वैसा ही फ़ासला एक सियारे का दूसरे सियारे के दरमियान होता है। यही वजह है कि एक सियारा दूसरे सियारे के करीब नहीं आ सकता। अब आगे मजीद सर जेम्स जीन्स बयान करते हैं कि कितनी तादाद है इस कायनात में इन सियारों की। उसके लिए उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी कि इस ज़मीन पर, स्टूडेंट्स, इस ज़मीन पर पानी जो है वो 71% और खुश्की जो है वो 29% है। तो जहाँ पर पानी और खुश्की इकट्ठी मौजूद हो, साहिल बनता है, वहाँ पर रेत के ज़र्रात पाए जाते हैं। अब सर जेम्स जीन्स फरमाते हैं कि साहिल समंदर पर मौजूद रेत के जितने ज़र्रात हैं, उतने ही कायनात में, यूनिवर्स में सियारे हैं। अब इतनी ज़्यादा तादाद है, और आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक सियारा
दूसरे सियारे के करीब भी नहीं भटक पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान ला तादाद फासला जो है वो मौजूद है। अब सर जेम्स जींस फरमाते हैं कि 2 अरब तकरीबन 2 अरब साल पहले ऐसा हुआ होगा कि एक सियारा हवा में खला में गर्दिश करता हुआ सूरज के करीब आया होगा। अब चूंकि सूरज जो है वो बहुत बड़ा हुजम में है, तो जब वो वॉन्डरिंग स्टार घूमता हुआ सियारा जब सूरज के करीब आया, तो उस पर एक एक्शन, इस एक्शन पर एक ऐसा अमल हुआ कि सूरज की सतह पर एक पहाड़ नमूदार हो गया। जैसे जैसे वो सियारा करीब आता गया, वैसे वैसे वो पहाड़ बड़ा होता गया। अब एक ख़ास वक्त पर जब वो वॉन्डरिंग स्टार, वो घूमता हुआ सियारा जब सूरज के इतना करीब हो गया कि वो उससे टकराने ही लगा था, तो वो वापस पीछे को हटना शुरू हो गया। ही बिगन टू रिसीट, वो पीछे हटना शुरू हुआ। अब वो जैसे ही पीछे हटने लगा तो ऐसी एक कशिश शक्ल पैदा हुई जिसकी वजह से ये पहाड़ जो सूरज की सतह के ऊपर नमूदार हुआ था, उस सियारे के करीब आने की वजह से वो टूट गया। इसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं आपको इस तरह दूंगा, जैसे ज़मीन के ऊपर एक ख़ास टाइम में चाँद की वजह से मद्दोजज़र पैदा होती है, साहिल समंदर पर पानी की सतह बुलंद होना शुरू होती है, बिल्कुल उसी तरीके से जब ये घूमता हुआ आवारा गर्दी करता हुआ वॉन्डरिंग स्टार जब सूरज के करीब आया, तो सूरज की सतह के ऊपर उसने पहाड़ पैदा कर दिया। उस पहाड़ को उसके करीब आने की वजह से वो और बड़ा होता गया, और यहाँ तक कि वो इतना बड़ा हो गया तो फिर एक ऐसा वक्त आया कि ये वापस पीछे को हटना शुरू हो गया। ये जैसे पीछे को हटा, ये पहाड़ एक कशिश शक्ल की वजह से टूट गया, और ये टूट कर सूरज के गिर्द बिखर गए। इसके जो टुकड़े थे वो सूरज के गिर्द बिखर गए, और उन्हें प्लैनेट्स कहा जाता है। एंड अर्थ इज़ वन ऑफ दोज स्कैटर्ड पीसेस, ज़मीन जो है उन बिखरे हुए टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। अब सर जेम्स जींस जो हैं वो कहते हैं कि चूंकि वो टुकड़े सूरज के अपने थे, सूरज के सतह पर ही बनने वाले एक पहाड़ के थे, तो जब वो खला में स्पेस में बिखरे सूरज के गिर्द चक्कर काटने लगे, तो वो इब्तदा में इंतहाई गर्म थे, फिर वक्त के साथ साथ उनकी हिद्दत, उनकी गर्मी कम होना शुरू हुई, दे बिगन टू कूल, वो ठंडे होना शुरू हो गए। अब उनमें से ये हो गया कि कुछ सियारे इतने ठंडे हो गए कि उन पर ज़िंदगी नामुमकिन हो गई, और कुछ जो सूरज के करीब थे वो इंतहाई गर्म थे कि उनके ऊपर ज़िंदगी नामुमकिन थी। तो उन सियारों में एक अर्थ सियारा था जहाँ पर पानी और जहाँ का एयर वो मोतदिल था, ज़िंदगी के वजूद वहाँ पर मुमकिन था, तो वहाँ पर ज़िंदगी शुरू हुई। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
जिंदगी, अब ये तो हमें क्लियर हो रहा है कि एक गर्दिश करता हुआ सियारा, अच्छा ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि एक सियारा दूसरे सियारे के करीब आए, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एक सियारे का दूसरे सियारे के दरमियान लाखों करोड़ों मीलों की मुसाफत है। लेकिन एक ऐसा वाकया हुआ होगा कि एक सियारा उसके करीब आया, सॉरी, सूरज की सतह के ऊपर उसने एक पहाड़ बनाया, और फिर वो जब पीछे हटा तो वो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया। अच्छा, अब ये तो हमें समझ आ गया कि ज़मीन दूसरे सियारे बन गए, सोलर सिस्टम एक बन गया, लेकिन इंसानी ज़िंदगी किस तरह वजूद में आई? तो सर जेम्स जीन्स फरमाते हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक आगाज़ हुई। मतलब जब ये सिचुएशन, ये कंडीशंस हो रही थी कि वो गर्म सूरज का टुकड़ा ठंडा हो रहा था, उस सिचुएशन के दौरान एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर जो खूबी ये थी कि वो मरने से पहले अपने जैसा एक और प्रोड्यूस कर जाता था, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वक्त के साथ साथ कॉम्प्लेक्स होते गए। कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसमें आती गई, और जो इस नहज पर पहुंची कि इंसान जो है वो बन गए। अब यहाँ पर एवोल्यूशन थ्योरी का भी ज़िक्र करता चलूँ कि साइंस ने एवोल्यूशन थ्योरी का भी ज़िक्र किया कि किस तरह इंसान जो है वजूद में आए। ये चूंकि इब्तदा बता रहे हैं तो इसलिए इन्होंने कहा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था जो आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स होता गया और फिर एक ऐसी कंडीशन बनी जो एक इंसान की सूरत इख्तियार कर गया, उनके अंदर उनके सेंसेस आ गई, रिलीजन आ गए, हैप्पीनेस आ गई, ये तमाम सिचुएशंस जो हैं उनके अंदर डेवलप हो गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सर जेम्स जीन्स ने एक्सप्लेन किया हमें इस चैप्टर में, इन्होंने फरमाया कि इंसान जो है वो खौफज़दा क्यों है। वो इसलिए है कि एक पूरा निज़ाम है। तो हम सबसे पहले रिकॉल करें, हमने ये डिस्कस किया कि साहिले समंदर पर मौजूद रेत के ज़र्रात जो अनगिनत हैं, जिनका शुमार नहीं किया जा सकता, इतने सियारे हैं। अच्छा, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये सियारे इतने बड़े बड़े भी हैं कि हमारी ज़मीन जैसी लाखों ज़मीनें एक सियारे में समाई जा सकती हैं, करोड़ों ज़मीनें एक सियारे में समाई जा सकती हैं, और फिर भी जगह बचे। तो और फिर अनगिनत सियारे, और उन सियारों के दरमियान लाखों करोड़ों मीलों की मुसाफत के एक सियारा दूसरे सियारे के करीब नहीं आ सकता। तो फिर इस पूरे निज़ाम में अगर ज़िंदगी का वजूद है तो वो सिर्फ अर्थ पर, और अब इस पूरे निज़ाम में सिर्फ अर्थ के ऊपर ज़िंदगी का वजूद होना ये सबसे बड़ा खौफ का बाइस है कि हमारे जैसी ज़िंदगी कहीं और मौजूद ही नहीं है। फिर उसके बाद वक्त, टाइम के बहुत लंबे अरसे के बाद ये सारा प्रोसीजर आया, इसलिए भी इंसान खौफज़दा है कि बहुत ही ज़्यादा वक्त का फैलाव है। इन सारी चीज़ों को बयान करने के बाद सर जेम्स जीन्स फर्दर ये इलेबोरेट करते हैं कि ये ज़िंदगी का वजूद इस पूरे निज़ाम में कहाँ पर वाक़े है। तो एक बहुत ही प्यारी एग्ज़ाम्पल वो देते हैं कि इन सियारों, इस पूरे एक यूनिवर्स में एक पट्टियाँ मौजूद हैं जहाँ पर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है, उसके अंदर इंतहा की गर्मी और उसके बाहर इंतहा की सर्दी, इतनी सर्दी के लिक्विड फ्रीज हो जाए और इतनी गर्मी के लिक्विड जो है वो भाप की सूरत में ज़ाहिल हो जाए। तो ज़िंदगी का वजूद सिर्फ़ और सिर्फ अगर मौजूद है तो वो उस सूरत में है
जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो मोतदिल है। इस पूरे सिनेरियो को अगर हम गो थ्रू करें तो इस पूरी कायनात में जो बहुत वसी है उसमें एक अर्थ ऐसी सियारा है जहाँ पर इंसान की ज़िंदगी का वजूद है और सालों साल से ये चल रहा है। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद, मुतालिया करने के बाद जो एक चीज़ ज़हन में आती है वो है तख़सीर करना, तस्खीर करना, ढूंढना, सर्च, रिसर्च करना कि अगर कोई चीज़ तख्लीक कर दी गई है उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, उसके पीछे वजूहात क्या हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाते हैं कि वो मज़ीद तख्लीकी सोच रखना शुरू कर देते हैं, तहकीकी सोच रखना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ही चंद इस चैप्टर के सिनोनिम्स जो बहुत ही अहम हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको अभी बयान करता हूँ और उसके बाद अहम सवालात जो पेपर के नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा अहम हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक द बायलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नई अपडेटेड लेक्चर्स जो हैं वो आपको मौसूल होते रहें। जी स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं जी सेल्डम, समटाइम्स, वोएज, जर्नी, हम्बल, सिंपल, फ्राइटनिंग, हॉरिबल, अनयूजुअल, अनकॉमन, इमेंस, ह्यूज, ऑर्गेनिजम्स, क्रिएचर्स, बेल्ट, जोन, मिल्की वे, कलेक्शन ऑफ स्टार्स, स्ट्रीम, फ्लो, वॉन्डरिंग, मूविंग, स्ट्रेचेस, स्पांस, फ्राइटनिंग, टेरिफाइंग, इंटायरली, फुली, बेल्ट्स, स्ट्रिप्स। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज देयर लाइफ ऑन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंड व्हेन द स्टार्स बिगन टू मूव अवे फ्रॉम द सन। Question number 3, write a note on the beginning of life on earth. Question number 4, why is there no life on the stars? Question number 5, what happened when the wandering star came nearer and nearer? Question number 6 hai ji, why do we find the universe so frightening? Why, what is Milky Way?